हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे आ गए हैं। आज का डिज़ाइन घेरदार फ्रॉक पैटर्न है। इस फ्रॉक के घेर में 150 फंदे डले हैं और ये 2 से 3 साल तक के बच्चे की है। आज के फ्रॉक की खास बात ये है कि ये प्लीट्स वाला फ्रॉक है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे प्लीट्स हैं जो कि वेव की शेप दे रहे हैं। ये डिज़ाइन 8+6 फंदों के मल्टीपल में बनाया जाएगा और आज का डिज़ाइन ट्विस्ट करते हुए बुना जाएगा। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, इसे कोई बिगिनर भी बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। ये सैम्पल हमने आपको 30 फंदों में डाल के दिखाया है और 8 सिलाई में जाके ये डिज़ाइन हमारा ओवर हो जाएगा। पहली सिलाई सीधी तरफ से सीधी बुनी जाएगी। इस सिलाई में शुरू के 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाएंगे और 8 फंदे सीधे बुनेंगे। आज का डिज़ाइन जेन्युइनली बहुत इजी डिज़ाइन है। सिर्फ सीधी और उल्टी सिलाइयों के मदद से आप इस पूरे फ्रॉक को बना सकते हो। इस तरह से 8 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाएंगे और 8 फंदे उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से 8 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाके 8 फंदे सीधे बुन देंगे। और आप देख सकते हो इस तरह से हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में देखिए जो नॉट वाले फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुन देंगे, यानी कि हम शुरू के 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 8 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाएंगे और 8 फंदे सीधे बुन देंगे। और इस तरह से 8 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाएंगे और 8 फंदे उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से 8 फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन पीछे ले जाके 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ध्यान दें ये फंदे हमारे फली वाले फंदे हैं। इसके बाद तीसरी और चौथी सिलाई आपको पहली और दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। 4 सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 5वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 8 फंदे सीधे बुनने के बाद ध्यान दीजिए हम ऊन आगे लाके 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 8 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाएंगे और 8 फंदे सीधे बुन देंगे। और इस तरह से 8 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाके बचे हुए 6 फंदे उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 5वीं सीधी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 6ठी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए हमारे ये नॉट वाले फंदे आ गए हैं तो हम ऊन आगे लाके 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए हमारे फली वाले फंदे स्टार्ट हो गए हैं तो हम ऊन पीछे ले जाके 8 फंदे सीधे बुन देंगे।
इसके बाद आप ध्यान दीजिए, हमारे फली वाले फंदे खत्म होते हैं और नॉट वाले फंदे स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम ऊन आगे लाके 8 फंदे उल्टे बुन देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, सातवीं और आठवीं सिलाई आपको पांचवी और छठी सिलाई के जैसे बनानी होगी। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी छठी सिलाई ओवर होती है। 8 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का फाइनल लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा। और यहीं पे हमारा आज का वीडियो भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।